हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है तैयारी विद विपिन में। सो आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CSGM यूनिवर्सिटी से BA, BSc, MSc, MCom, BCom या BEd की प्रेपरेशन कर रहे थे। प्रेपरेशन इन अ सेंस वो एडमिशन ले रखे थे और किन्हीं भी रीजन से उनका जो प्रैक्टिकल है वो रह गया है। आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हो, आपका वाइवा नहीं हो पाया है, तो पहले जो नोटिस आई है मैं उस नोटिस की बात करता हूँ। आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे CSGM यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की एक नोटिस है और इस नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि एतद् द्वारा आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की संस्थागत व्यक्तिगत छात्र या छात्राओं की सत्र 2021-22 में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की मुख्य वार्षिक परीक्षा NEP के अंतर्गत सम सेमेस्टर की परीक्षाएं, पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं, कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि सारी परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं। अब ये कह रहे हैं कि उक्त परीक्षाओं से संबंधित प्रायोगिक मौखिक परीक्षाएं भी संपन्न कराई जा चुकी हैं। उक्त संपन्न प्रायोगिक मौखिक परीक्षाओं में ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी प्रायोगिक मौखिक परीक्षा किसी कारणवश छूट गई है अथवा अनुपस्थित हो गए थे, ऐसे छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा पुनः एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी प्रायोगिक मौखिक परीक्षा छूट गई है अथवा अनुपस्थित रहे हैं, वे दिनांक 15 सितंबर से 19 सितंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csgme.ac.in पर ₹500 यानी कि ₹500 फीस पड़ेगी आपकी, शुल्क जमा करते हुए उक्त परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त छात्र छात्राओं हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तो एक चीज तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल छूट गए थे, उन लोगों को क्या करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है। अब ये एग्जाम फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, विश्वविद्यालय की साइट पे। मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको वो फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन ये दूंगा, कहीं पर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप जहां से, जिस भी कॉलेज से BA, BSc, BEd, MSc, MCom, BCom जो भी कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज में एक बार इन्फॉर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कॉलेज वालों को प्रॉपर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा जो फॉर्म आपको फिल करना है वो कहां से फिल करना है, मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। आपको सिंपल सा करना क्या है, अपना ब्राउजर ओपन करना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, जैसे आप मान लो क्रोम यूज करते हो तो आपको अपना क्रोम यूज कर लेना है, क्रोम ओपन करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि वो लिंक कहां से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लिंक नहीं मिल पा रही है। ओपन करना है आपको ब्राउजर और ब्राउजर पे आपको क्या सर्च करना है, आपको वेबसाइट सर्च करनी है csgmu.ac.in। ये जो वेबसाइट है यही वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है, टाइप कर देना है csgmu.ac.in। उसके बाद मैं एक बार आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ, या आप कहोगे सर आप तो पहले से ही खोल के रखते हो, ये देखो आपका सर्च बॉक्स है, इंटर किया। चलो जैसे ही इंटर करोगे आपके वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस वाले जो पॉपअप है इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये देखो आपका क्रॉस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दीजिएगा। इसको हटा दोगे और हटाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टूडेंट सर्विसेज पे। ध्यान से देखना कहाँ जाना है आपको, ये रहा स्टूडेंट सर्विसेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विसेज पे आप जब क्लिक करोगे यानी कि अपने कर्सर को लेके जाओगे, तो जैसे ही कर्सर को लेके जाओगे देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। कहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कर्सर को देखिएगा, ये देखिए एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ रहा है। ये जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन है इसी में सेकंड नंबर पे देखो लिखा हुआ है एनुअल एग्जाम फॉर्म सबमिशन एक्स स्टूडेंट बैक पेपर प्राइवेट प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट, और लिखा हुआ है लेफ्ट ओवर प्रैक्टिकल ऑब्लिक वाइवा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल या वाइवा छूट गया है तो आपको एग्जामिनेशन में ये जो सेकंड वाला आपका लिंक है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ये देख सकते हो आप, जो आपकी सबसे पहली लिंक है ये आपको गिवेन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेफ्ट ओवर प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम फॉर्म सबमिशन। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल या वाइवा छूट गया है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ से अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा। तो अब इस फॉर्म में आपको करना क्या है ये ध्यान दो, एग्जाम नेम ले लेना, आपका प्रैक्टिकल छूट गया था वाइवा छूट गया था, एग्जाम टाइप ले लेना, आप रेगुलर थे या प्राइवेट थे, अपना एग्जाम ले लीजिएगा जो भी आपका एग्जाम हो, कौन से ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो,
सेलेक्ट ईयर 2022, अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, सर्च करिएगा। अब यहाँ पे मैं तो किसी भी एग्जाम में ऐसा पार्टिसिपेट किया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आगे प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। अब आप जब सर्च करोगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, पेमेंट कर दीजिएगा, रिसिप्ट अपने पास रखिएगा और अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बस इतना करना है आपको। स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये लिंक कहाँ से मिलेगी, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। उम्मीद है कि बात आपको समझ में भी आ गई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यूपी त्रिपुरासी पेट, सीटेट, टेट, सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से क्लासेस मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूं। तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देखिए। मुलाकात होगी आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।